पब्लिक माई ट्यूटोरियल चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के बीच मैं नए जादू लेकर आया हूँ, यानी जो देखेंगे यानी बोतल का बेहतरीन जादू, नजरबंद करने वाला जादू आप लोग को सामने लेकर आया हूँ और देखेंगे इस बोतल का जादू। किसी ने सही कहा था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कोई जादूगर बनकर नहीं पैदा लेता है, पैदा होने के बाद जादूगर बनता है। चलिए आप लोग को मैं यह जादूगर बना रहा हूँ, इसको दिखलाएंगे भी जादू के और सिखाएंगे भी। आप लोग को दिमाग रहा तब आप लोग जरूर सीखेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको देख लीजिए, यह बोतल का ठेफी में कोई छेदा नहीं है, कोई छेदा नहीं है। इधर भी देख लीजिए, कहीं भी कोई छेदा नहीं है। अब आप लोग के सामने क्या करते हैं कि इस ठेपी को हमने खोल लेते हैं और खोलने के बाद आप लोग को दिखाते हैं कि देखिए इसमें क्या है, इस बोतल में क्या है, कुछ नहीं है। फिर क्या करते हैं, हमने इसको हमने लगा देते हैं, क्या करते हैं, हमने इस ठेपी को लगा देते हैं। लगाने के बाद हम अब क्या करते हैं, यानी एक पेंसिल, देखिएगा हमारे हाथ में एक पेंसिल, पेंसिल कहीं से भी डालेंगे कोई छेदा फेदा नहीं है। देखिए नदी से भी, कहीं से कोई छेदा फेदा कहीं भी नहीं है। इसको भी हम आप लोग के सामने मैं इस बोतल में डालकर दिखाएंगे। तो चलिए हमने इस बोतल में हमने डाल के दिखाए हैं, कहें कि आबड़ा का डाबड़ा गिली गिली छू। चलिए देखिए बाहरी जादू, बाहरी कमाल की जादू, देखिए अंदर चला गया। देखिए हमने उलट कर भी दिखाते हैं, कोई छेदा उदा नहीं है, कहीं भी नहीं है। फिर इधर से करके दिखाते हैं, फिर इधर करके दिखाते हैं, कहीं भी कोई छेदा नहीं है। अब चलिए क्या करते हैं, अब इसको हम इस जादू का रहस्य बताते हैं, राज बताते हैं कि जादू कैसे हुआ। तो सबसे पहले जादू का राज बताने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल घंटे का निशान है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जो भी नए नए जादू को डालें, नए नए वीडियो को डालें, आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हमारा जादू कैसा लगा। तो चलिए अब इसका सीक्रेट बताते हैं कि जादू कैसे हुआ। चलिए पहले हम खोल के इसको हम निकालते हैं, क्या करते हैं इसको खोल के हम निकालते हैं, निकालने के बाद ढक्कन लगा देते हैं। देखिए हमने दिखाए थे कि इसमें ढक्कन में कोई छेदा फेदा नहीं है, बिल्कुल खाली है। अब क्या करते हैं कि हमने दिखा रहे थे कि इस बोतल में कोई छेदा फेदा नहीं है, बिल्कुल ये खाली है, कहीं से भी देखिए कोई इसमें छेदा फेदा नहीं है। अब क्या करते हैं, हमने कहे कि इसको खोलते हैं। जब खोल रहे थे तो आपको सबसे मेन सीक्रेट है, देखिए यह आपको डबल ठेफी रखना होगा, और यह ठेफी में देखिए यह छेदा किया हुआ है, बगल में छेदा किया हुआ है, इतना बड़ा छेदा किया हुआ है, ज़्यादा नहीं कि पेंसिल अट जाए, पेंसिल अटने पर छेदा किया हुआ है। उलट भी दीजिएगा तो पेंसिल इससे नहीं गिरेगा। चलिए अब क्या करना है, जब हम हाथ रखे हुए थे दिखा रहे थे कि इसमें, उसी समय हमको बोले कि अब कुछ खोल के दिखाते हैं। जब खोलने लगे तो जैसे आप खोल रहे थे, जब दिखाने लगे तो दिखाते समय सबको नजर इधर आता है कि देखिए आज इस तरफ, इस समय यह क्या कर, ठेफी को देख रहे हैं, इसको क्या करना, जब हाथ में लिए थे इसको त
तरे कर लेना है और इसको ऊपर कर लेना है। आज इसे ऊपर कीजिएगा, फिर इसको कसना है तो यहाँ पर रख के कसिए और इसको बिना छेदा वाला के, बिना छेदा वाला के हाथ में ले लीजिए और इसको ऊपर की मुँह ऊपर की ओर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना जला जाएगा, ऊपर की ओर ऐसे हो करके और उसके बाद ऐसे हाथ में रख ले रहिए और उसके बाद कसिए। और जैसे जब कहिए कि हम पेंसिल लाने जा रहे हैं तो ढोकड़ी में से पेंसिल निकालते समय इसको क्या कीजिएगी, ढोकड़ी में रख लीजिए, पेंसिल को ढोकड़ी में से निकाल के लाइए और उसके बाद में कहिए कि देखिए जो देख रहे हैं इसको चारों तरफ बगल में मारते रहिए, कहीं भी मारिएगा आपको अंदर नहीं जाएगा, देख रहे हैं छिदा के रस्सी गेट ही है, कहीं भी मारिएगा आपको अंदर नहीं जाएगा। और जब करना है 1 2 3 जब करना है तो देख छिदा को जना ही रहा, किसी को कोई दर्शक के जब इतना ऊंचा रख रहिएगा कोई दर्शक के भी छिदा नहीं जनाएगा। कहिएगा 1 2 और 3 तो आप लाग दिखा दीजिएगा, इधर से कीजिएगा तो छेदा देख रहे हैं एक तरफ, ई छेदा को ऊपर कर दीजिएगा और नीचे को कहिएगा तो यह क्या हटा जाएगा इधर आकर के। जब उलाट को दिखाना है तो हल्का तिरछा रखना है, इतना छेदा करना है नहीं गिरेगा आपको, उसके बाद फिर उठा लीजिएगा, फिर जब इसे कीजिएगा छेदा को ऊपर रखिएगा और हल्का तिरछा कीजिएगा, हल्का तिरछा रहेगा पेन नहीं गिरेगा, उसके बाद फिर छोटे उठा दीजिएगा। इसी के साथ जल समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत।